सो हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि बड़ी के 100 के होने वाले हैं, तो हमने उसके लिए एक सरप्राइज़ सोचा है। उसके लिए गिफ्ट लेने जाएंगे। गिफ्ट क्या है हम आपको बता ब्लॉग में देंगे, बताएंगे ब्लॉग में बता देंगे। और उसके लिए बहुत अच्छा डेकोरेशन करेंगे उसके 100K पे, और बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज देंगे यस, तो फिर अभी हम जाएंगे उसके लिए गिफ्ट लेने के गिफ्ट लिए, लेने। और क्योंकि क्या उसके लेंगे? 100K होने ही वाले हैं। पता नहीं कब हो जाए, इसीलिए ठीक है, तो हम रेडी होके रेडी मिलते होके हैं। मिलते हैं। सो हेलो गाइस, हम लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग निकल भी चुके हैं। अब हम जा रहे हैं करोल। मेट्रो में बैठने के बाद बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। मेट्रो में मिलते हैं। सो हेलो गाइस, हम लोग मेट्रो में बैठ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं करोल बाग। हेलो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट और हम उस शॉप पे जा रहे हैं जो हमें लेना है। मैं आपको शॉप दिखा देता हूँ। सो गाइस, हम लोग गलत शॉप पे घूम गए थे, अब हम लोग सही शॉप पे आ चुके हैं। मैं दिखाता हूँ आपको शॉप। सो गाइस, ये है शॉप, अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं। गलत शॉप में घुसने का। हम जो पर्स लेने आए थे बड़ी के लिए, वो इस दुकान पर अब है नहीं, वो ख़त्म हो चुका है। और वो एक महीने पहले देख के गई थी, तो हम क्या करें। मैं दिखाती हूँ, एक मिनट, ये देखो, सो रहा होगा यार। सो गाइस, हमें बैग मिल तो गया बट कलर दूसरे वे में, दूसरे नहीं, उसमें मिला सेम है। बैग, बस कलर थोड़ा अलग है। ये ब्लू है और उसको पसंद था थोड़ा ऐसा कलर, ऐसे टाइप में उसको ये कलर पसंद था। कुछ कुछ चीज़ें चेंज है इसमें। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये ब्लू वाला ले लेंगे तो उसको पसंद आएगा या नहीं आएगा, बट लेना तो है। लेकिन इन भैया ने बोला कि 7 दिन के अंदर चेंज हो जाएगा बैग। 15 दिन में चेंज हो जाएगा ये बैग। और फिर लेना तो है, अगर ये नहीं लेंगे तो फिर ये भी ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए हमने ये ले लिया, इसलिए हमने ये लेनी ये ले लिया। तो गाइस, हमने बैग ले लिया, दिखा दे एक बार। ये है, अब हम मेरे को लेना है एक चश्मा, और मैं चश्मा लेने जा रहा हूँ। तो गाइस, हम लोग चश्मे की दुकान पर आ चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सो हेलो गाइस, मैंने अभी ये चश्मा लिया है और अब हम आ जाएंगे खाने जाएंगे। और हम जाएंगे क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, भूख लग रही है, तो मिलते हैं रेस्टोरेंट में। खाने आ चुके हैं रेस्टोरेंट में, देख सकते हैं, बट यहाँ पे भीड़ है, वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, कोई उठेगा तो हम खा लेंगे। क्या खाना लेते हैं आपको दिखा रहे हैं। सो गाइस, हमारा खाना आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा मिलेगा, तो फिर हम आपको मिलते हैं खाने के बाद। गाइस, हमने बहुत सारा खाना खा लिया है और पेट भर गया, नींद आ रही है। नेक्स्ट गिफ्ट के लिए जा रहे हैं, वो आपको आगे जाके पता चलेगा क्या गिफ्ट देने वाले हैं। वो भी बॉम्ब गिफ्ट है गाइस, वो तो बहुत बहुत अच्छा गिफ्ट है। उसको मैंने उसको बहुत पहले ही बोला था कि मैं दूंगी ये चीज़, तो मैंने नहीं दे पाई थी, तो अब मैं दूंगी उसको ये चीज़। सो हेलो गाइस, हम लोग एक फोटो फ्रेम की दुकान पर आ चुके हैं, हमें उसे एक कोलाज देना है बहुत बड़ा सा, फोटो का दिखा देते हैं, देखते हैं कि इसी साइज का है, बस उसमें उसका कोलाज की फोटो होगी। जब हम रेडी करवा लेंगे तब हम आपको दिखा देंगे वो कैसा है। सो हेलो गाइस, आज सेकंड डे है और आज हमें फ्रेम लेना था। अभी हम फ्रेम लेने जाएंगे भैया के पास, बट उससे पहले हमें कुछ, मेरे को एक टी शर्ट लेनी है, तो मैं पहले वो ले लेता हूँ, मैं दिखा देता हूँ मैं कहाँ से लेता हूँ। देखो, यहाँ से लेते हैं हम ड्रेसेस। सो गाइस, अभी मुझे लेनी है एक टी शर्ट, फिर मैं टी शर्ट लूँगा, उसके बाद फिर मैं हम फ्रेम लेने जाएंगे। मैं आपको फ्रेम भी दिखाऊंगा कि फ्रेम कैसा है। सो बने रहिए गाइस। सो गाइस, मैंने ये टी शर्ट पसंद किया, अभी मैं इसको ट्राई करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइज, मैंने ये टी शर्ट ली है, बड़ी तो नहीं है ना, ढीला ही पहनना है ना। हाँ, ढीला ही पहनना है। सो गाइज, हमने भी टी शर्ट ले लिया है और अब हम जाएंगे फ्रेम की शॉप पे भैया के पास, और मैं आपको फ्रेम दिखाता हूँ फ्रेम कैसा है, तो बने रहिए दोस्तों। सो गाइज, हम उसके लिए एक
कप भी लेना है तो हमने ये तो कप क्या, ये तो नॉर्मली कप लेना है, मम्मी सारे कप फोड़ देती है इतने बड़े बड़े सब। तो अब हम जाएंगे फोटो फ्रेम लेने, दिखा देना कप एक। ये दो। सो गाइज हम पहुंच चुके हैं फ़ोटो फ्रेम की दुकान पे, और हम जा रहे हैं भैया से देखते हैं कि भैया ने कैसा बनाया फ़ोटो फ्रेम, आपको भी दिखाते हैं। जस्ट वेट। सो गाइज देख सकते हो भैया ने ऐसा बनाया है, भैया को भी देख सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। ओके हेलो गाइज, तो हमने फ्रेम ले लिया है, अटल लेके चल रहे, पता नहीं मेट्रो में घुसने देंगे कि नहीं देंगे हमको, देखो गाइज ये इतना बड़ा है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब हम ले तो लिए, हम अब रखेंगे कहाँ, बस ये सोच रहे हैं। और बेड में अभी इतनी जगह है नहीं रखने के लिए, जल्दी से आप उसके सौके करवा दो, जल्दी जल्दी जल्दी, जब तक ये वीडियो आएगी तब तक तो सौके हो ही जाएगा। अरे गिरा दे तो ऐसी कर करके, बहुत सुंदर है जैसे मैंने सोचा था ना, अच्छा है वैसा ही है, बस एक दो मिस्टेक हुई है, जो ब्लू साड़ी वाली उसकी फोटो थी, मैं चाहती थी उसके बीच में आए और बड़ी सी, लेकिन कोई नहीं, तभी भी ब्लू दूसरी साड़ी वाली बहुत अच्छी है, आपको जब आएगा तो पता चली चाहिए। कील नहीं यार, वो वहीं से अपनी बुलवा के लगवा लेंगे। ठीक है चलो गाइज हम मेट्रो में बताते हैं। गाइज हमें ये पुलिस मेट्रो के अंदर नहीं आने दे रही थी, लेकिन क्योंकि ये बहुत लास्ट साइज़ है तो उन्होंने, हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो उन्होंने आने दिया लेके के, और वो भी बोला कि आप मेट्रो के सबसे पीछे वाले साइड में जाके खड़े हो जाना, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो गाइज हम मेट्रो में आ चुके हैं, जैसे देख सकते हो ये इतना बड़ा है। तो गाइस हमने वो तो ले लिया था और घर पे भी रख दिया है, हमने फोटो फ्रेम काफ़ी अच्छा है। अब हम आए हैं कुछ सामान लेने डेकोरेशन का, और बड़ी को ना शक हो गया है हम पे बहुत ज़्यादा। हाँ तो अब हम डेकोरेशन का सामान लेते हैं, दिखा देता हूँ हम। तो गाइस हम यहाँ से लेने वाले हैं डेकोरेशन का सामान, देख सकते हो आप। सो गाइस हमने भी 100 के लिया है, और एक बैलून लाने वाली मशीन ये पहाड़ी ऊपर, और तो बैलून और डेकोरेशन और बैलून और क्या बोलते हैं, हमने वो ऑनलाइन ऑर्डर किया था पीछे डेकोरेशन का सामान। सो गाइस हमने डेकोरेशन का सामान भी ले लिया है, अब बस रह गया है सरप्राइज प्लान करना और उसका रिएक्शन की कैसे होगा उसका रिएक्शन। थैंक यू सो मच। सो हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते हो कि उसके 100 के पूरे हो चुके हैं, तो फिर कल हम कालका जी मंदिर वगैरह घूमने गए तो कल हम सेलिब्रेट कर नहीं पाए, तो हम आज सेलिब्रेट करेंगे। अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 10:30। अभी हम एक घंटे से बैलून ही फुला रहे हैं, वो अभी सो रही है, मैं दिखाता हूँ कि हमने कितने सारे बैलून फुलाए हैं। ये देखो बैक कैमरा से दिखा रहे सारे, देखो ये सारे मैंने किले फुलाए हैं। और अभी हम यहाँ पे डेकोरेट करेंगे, और वो अभी सो रही है, उसे कुछ पता नहीं है, और सरप्राइज भी उसे अभी देंगे सारे, तो फिर डेकोरेशन के बाद मिलते हैं। गाइज हम लोग सारा सामान तो ले आए थे, बस केक और मिठाई रह गई थी, तो हम अभी केक और मिठाई लाने जा रहे हैं। तो गाइज इतनी गंदी तरह चला रहे हैं, क्या मतलब बोल रहा है। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं ग्रोवर, केक का ऑर्डर काफी। हमारा केक आ चुका है, लेकिन भैया के लिखना भूल गए, भैया इस पे के लिख दो। तो गाइस देख सकते हो आप कितने अच्छे अच्छे के, क्या लग रहा है के लग रहा है के, हां हां भैया के लिखना है के, ये हो गया। हां थैंक यू। सो इसको बहुत भूख लग रही है, इसको खाना है चिली पटेटो, बट चिली पटेटो भी मिलेंगे जी कुछ। हम ब्लॉगिंग करते हैं और वही है इंस्टाग्राम पे वीडियो वगैरह बनाते हैं। हाय हाय बोल दो भैया, हाय भैया इसके कोई फैन बोल। सो गाइस हमने केक ले लिया है, अब हम जा रहे हैं घर।
सो गाइस बर्थडे सेलिब्रेशन वो सॉरी बर्थडे कह रहा हूँ इसके 100 के का सेलिब्रेशन तो हो गया, अब है गिफ्ट की बारी, अब देना है गिफ्ट, अब उसका रिएक्शन देख आराम से चल ले तू बनाइयो तू और तू बैग दियो। बैग तो मुझे निकालना पड़ेगा, रुक जा पंखा लाइट बंद कर दू। चलो बैग करके दियो पीछे से आगे से नहीं पीछे कर ले यार। ये चाची गेट लगा लो, चाची गेट से इधर से ये वाला गेट लगा लो। वीडियो बना मैं निकाल रही हूँ नाटक होगा यहाँ। वाह अभी सब तोड़ फाड़ दूंगा। स्टार्ट करूं। बड़ी बड़ी